फिर ईडी में पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल बुधवार को ईडी के सामने पेश। हालांकि उन्होंने ईडी से समय मांगा था। अब ईडी ने उन्हें 17 जून को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके पहले उन्होंने सोमवार और मंगलवार को प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की थी। ईडी एयर इंडिया के फायदे वाले मार्गों पर निजी एयरलाइंस को देने के संबंध में पटेल से पूछताछ कर रही है। पटेल से लगातार 2 दिन 17 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर चुकी है। दक्षिण दिल्ली के खान मार्केट में स्थित ईडी मुख्यालय में सोमवार को पटेल से अधिकारियों ने 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। ईडी ने सोमवार को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता से एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की। इस मामले में कथित तौर पर कारपेंटर और लैबिस्ट दीपक तलवार शामिल है। ईडी पहले ही एयर इंडिया के कई अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे पटेल ने किसी भी तरह के गलत काम करने से इंकार किया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।